अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अब चैप्टर ऑटोस्क्लेरोसिस वाला। इसके जो है मैं डायग्नोस्टिक पॉइंट आपको साथ ही बता दिए थे, लेकिन दोबारा हम इसके कुछ सिनेरियोस पढ़ लेते हैं क्या क्या पूछा है उन्होंने और किस तरह सिनेरियो दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, अ 27 ईयर ओल्ड फीमेल डेवलप्ड हियरिंग लॉस दैट वाज बायलैटरल। तो मैंने आपको ये बताया थी कि एक तो फीमेल की हिस्ट्री होगी, एक 20 to 30 ईयर्स के दरमियान की होंगी, बायलैटरल होगी और स्लोली प्रोग्रेसिव होगी इसकी, और इसके अलावा टिनिटस इसको हो सकता है। प्योर टोन ऑडोमेट्री की बात इसके अंदर थी, रिवील बोन कंडक्शन हियरिंग लॉस एट 2000 हर्ट्ज, ठीक है, जहाँ पे कार हर्ट्ज नोच थी और हमने जो निमोनिक किया था उसके अकॉर्डिंग ये फिट जा रहा है। ओके, शी इज़ प्रेगनेंट, ठीक है। तो ओ से ऑटोस्क्लेरोसिस था और के से था कि 2000 पे जो है उसकी वो कार हर्ट्स नोच मिल रहा है, बाकी सारे हमें डायग्नोस्टिक पता हैं। तो सो हमारा ये क्या है, ऑटोस्क्लेरोसिस वाला है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, अ 28 ईयर ओल्ड स्कूल टीचर फ्रीक्वेंटली विजिट ईएनटी विद कंप्लेंट ऑफ हियरिंग लॉस है फॉर ईयर्स से, ठीक है, थोड़ी लंबी हिस्ट्री होती है इसकी और ये ग्रेजुअली इंक्रीजिंग कर रही होती है। टिनिटस भी है इसको, ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो अनरिमार्केबल है, क्यों, क्योंकि ये मिडल ईयर का प्रॉब्लम होता है। सो हमें जो है ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन पर कुछ खास नहीं मिलता होता। रेनी टेस्ट इज़ नेगेटिव ऑन बोथ साइड्स, रेनी टेस्ट इज़ नेगेटिव इसका मतलब ये है कि बोन कंडक्शन इज़ मोर देन द एयर कंडक्शन, ठीक है। सो हमने जो है अपने कंडक्टिव हियरिंग लॉस है इसके अंदर। उसके बाद है ए बी सी इज़ नॉट रिड्यूस, ठीक है, ये हमने कहा था कि एयर बोन कंडक्शन जो है उतना ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आता। सो ये हमारा जो है किसका है, ऑटोस्क्लेरोसिस वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 25 ईयर ओल्ड है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग बायलैटरल डेफनेस है और बायलैटरल नॉर्म क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है ना वो ठीक है। इंटैक्ट मेम्ब्रेन है, टेम्पर मेम्ब्रेन कोई प्रॉब्लम नहीं आता इसके अंदर। पीटीए रिवील अ डिप इन डिप जो है ना वो 2000 पे मिली है। 24 टेस्ट रिवील कंडक्टिव डेफनेस, ठीक है, प्रोग्रेसिव है, फीमेल है, बायलैटरल है और ये ऑटोस्क्लेरोसिस का ही होता है इसके अंदर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर लिखा है ट्यूनिंग फोकेट टेस्ट। ट्यूनिंग फोकेट टेस्ट हमने टेस्ट किया था जो नेगेटिव होता है। वेबर टेस्ट जो होता है ना वो हमने किया था कि वो बोन कंडक्शन ज़्यादा होती है एयर कंडक्शन से, क्यों, क्योंकि जो है वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है इसके अंदर। सो ये हमने कर लिया था। उसके बाद जो लिखा हुआ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, हमने ये बात की थी इसके अंदर, और मैनेजमेंट प्लान्स हमने खुद करनी है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मिडिल एज फीमेल है, प्रोग्रेसिव है, बायलैटरल है, हियरिंग लॉस है 1 साल से, डिस्टर्ब टिनिटस है इसके, उसके अलावा जो है ना हियरिंग एक्विटी वर्सिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में वर्स कर जाते, हमने ये बात पढ़ी थी। और उसको भी एग्जामिनेशन जो है ना रिवील एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ मेम्ब्रेन्स विद विजिबल मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी जो है विजिबल है और थोड़ी बहुत जो है इसकी प्रॉब्लम है। सो ये हमारा ऑटोस्क्लेरोसिस वाला क्वेश्चन हो गए हैं। इसके अलावा जी एक और क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन नंबर 5 है, 25 ईयर ओल्ड गर्ल कंप्लेन ऑफ राइट साइडेड डेफनेस, ठीक है, शी कैन हेयर बेटर एट नोइसी प्लेसेस, ठीक है, और उसको भी रिवील नॉर्मल ईयर ड्रम्स। अब 25 ईयर ओल्ड गर्ल है और क्या होता है कि राइट साइडेड डेफनेस है, बेटर एट नोइसी प्लेसेस। अब यहाँ पे जो ना एक तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक जो ना ईयर का बताया हुआ है, ठीक है, बाकी जो है ना इसमें ये दिया हुआ है पैराक्यूसिस विलिस की बात की हुई है कि पैराक्यूसिस विलिस में क्या होता है कि उसको नोइजी एनवायरनमेंट में ज़्यादा सुनाई देता है। सो ये है तो ऑटोस्क्लेरोसिस वाला ही है, लेकिन इसमें यूनिलेटरल हिस्टेरेसिस के अंदर मिस्टेक है, सही है, तो ये है ऑटोस्क्लेरोसिस का ही क्वेश्चन वाला। आगे फेशियल नर्व, उसमें क्या उन्होंने कहा कि ऐसे कौन सी ब्रांचेज हैं मिडिल ईयर में आती हैं, उसमें मैंने आपको 3 बताई थी कि नर्व टू स्टेपीडियस, कॉर्डेड टेम्पनाइन नर्व और कम्युनिकेटिंग ब्रांच आ रही होती है ऑरिकुलर ब्रांच से फ्रॉम वेगस, ठीक है, ये आपने करनी है। उसके बाद है मिनरीज, मिनरीज भी हमने कर लिए थे अच्छे खासी तरीके से, दोबारा हम इसके कर लेते हैं। तो मिनरीज को मैंने कहा था कि इसकी जो एज होती है वो 20 to 60 तक तकरीबन ऑलमोस्ट होती है। 55 ईयर ओल्ड मेल है, उसका एपिसोड हुआ रोटेटिव वर्टिगो फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है, द अटैक ऑफ एपिसोडिक वर्टिगो लास्ट फॉर 2 to 3 वीक्स, सबसाइड विद ट्रीटमेंट एंड रिकर्स आफ्टर 3 to 4 मंथ्स, इट इज़ अकम्पनिंग विद नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, पेलर है, स्वेटिंग है, दिस अटैक ऑफ वर्टिगो फॉलोस सेंस ऑफ फुलनेस, ठीक है, इन द राइट ईयर, हियरिंग लॉस होती है, इंटरमीडियट टिनिटस अगेन इन द सेम ईयर, हिज प्योर टोन ऑडोमीटर रिवील्स 50 decibel हियरिंग लॉस इन राइट ईयर एंड नॉर्मल हियरिंग इन द लेफ्ट ईयर, ठीक है। तो इसमें सारी बातें कौन सी हैं, वर्टिगो होता है, वर्टिगो है, टिनिटस है, हियरिंग लॉस है और इंटरमीडिएट जो है ना सॉरी फुलनेस ऑफ ईयर है, ये सारी बातें जो है हमारी मेनरीज डिजीज की ही हैं। और मैंने कहा 50 decibel लॉस तो अपनी बात याद रखनी, मैंने लिखा हुआ है कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा तो 20 to 40 decibel तक जो है ना लॉस होती है, जबकि जो सेंसिन्यूरल हियरिंग लॉस होती है उसमें 60 decibel या 50 decibel तो जो है ना वहाँ तक लॉस हो जाती है। तो इसमें लिखा है 50 decibel, सो इसका मतलब ये है। सो ये मिनरीज का आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद इसमें वर्टिगो के जो है ना वो अटैक होते हैं एपिसोडिक, ये मेन फीचर है इसका। आगे 50 ईयर ओल्ड है, वर्किंग फैक्ट्री अटैक ऑफ सीवियर वर्टिगो फॉर विच ही हैड टू स्टॉप हिज वर्क, दिस अटैक वाज एसोसिएटेड विद नोजिया एंड लास्टेड फॉर अबाउट 1 आवर, देयर इज हिस्ट्री ऑफ 3 such attack in the last 1 year, on examination ear looks normal, BP is 130, 24 test show mild sensorineural hearing loss in left or which is confirmatory by odometry, sensorineural hearing loss है और वर्टिगो के अटैक है तो कौन से मिनरीज डिजीज है।
30-year-old female gave history of recurrent attack of right sided fluctuating hearing loss. ठीक है, fluctuating hearing loss हो गया, roaring tinnitus हो गया, rotation of vertigo and oral fullness of the past 2 years. तीन चार फीचर हैं इसी की हैं. आगे है 27-year-old complain of episodic tinnitus, vertigo, reduced hearing loss हो गया, her PDA show bilateral sensory neural hearing loss. While tympanogram was normal. Tympanogram was normal का मतलब ये कि मिडिल ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं, मिडिल ईयर के सारे चैप्टर खत्म. बाकी जो रह गया इनर ईयर में, इनर ईयर में जो है उसमें किसमें था हमारा वर्टिगो, तो वो था मिनरीज डिजीज के अंदर. ठीक है, ये हमने कर लिया. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 5. क्वेश्चन 5 में है कि अ 45-year ऑफ ओल्ड एज मेल ऑफ एज एपिसोडिक वर्टिगो है. Each episode vertigo being intense accompanied the nausea, vomiting, sweating, fullness in the ear, tinnitus, decreased hearing during the attack. She is giving such episode for last 6 months. उसके बाद है फीमेल है 30 year की, complaint of decreasing hearing in both ears which is gradually worsening. Hearing is better in noisy surrounding. Voice is quiet or otoscopic membrane is normal. अब 30 years की 30 year age की है और both ears affected हैं इसके और gradually worsening है और नॉइस इन्वायरमेंट में जो है उसकी नॉइस बेटर हो जाती है. सो ये क्वेश्चन जो है ना इसमें मिक्स किया हुआ है, ये आपका ऑटोसक्लेरोसिस वाला क्वेश्चन है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7. अ फीमेल ऑफ 40 years प्रेजेंट विद एपिसोडिक वर्टिगो, वर्टिगो इज इंटेंस विद नॉजिया वोमिटिंग इन द ईयर्स, रोटेशन ऑफ ठीक है सराउंडिंग, वर्टिगो लास्ट फॉर फ्यू आवर्स एंड पेशेंट कंप्लेन ऑफ डिक्रीज हियरिंग ड्यूरिंग अटैक विच इंप्रूव इन बिटवीन. ठीक है, और एयरफुलनेस भी है, टिनिटस भी है. सो ये हमारा क्या हो गया, मिनरीज डिजीज हो गया. सो इस तरह से आपने इसको डायग्नोस कर लिया है. उसके बाद है डेफ चाइल्ड. डेफ चाइल्ड कौन सा क्वेश्चन है. इन ई एन टी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट अ मदर केम विथ 3.5 ईयर किड. शी कंप्लेन दैट देयर किड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू नॉर्मल वॉइसिस एंड डेवलप्ड नो स्पीच. देयर इज नो सिग्निफिकेंट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री. मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री नहीं है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ स्टेटस मीडिया कोर्स प्रोड्यूटर्स मीडिया वगैरह कुछ नहीं है, बस बच्चा जो है वो डेफ है. तो इन्वेस्टिगेशन हमने की थी और लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, वो सारी अपने वो टेबल था वो सारा लिखना है इसके अंदर और मैनेजमेंट बतानी है. मदर ब्राउट हीज हर 6 months ओल्ड चाइल्ड विद द स्पेसिफिकेशन दैट हर चाइल्ड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द साउंड्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन एग्जामिनेशन. चाइल्ड डज नॉट गेट अवेक फ्रॉम इवन स्लीप आफ्टर गिविंग साउंड स्टिमुलस. तो ये डेफ चाइल्ड है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3. अ 6 year ओल्ड चाइल्ड कंप्लेन ऑफ हेयरिंग डिफिकल्टी. ही डज नॉट कॉपरेट फॉर ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन और फ्री फील्ड हेयरिंग असेसमेंट और गिव टू ऑडियोलॉजिकल टेस्ट. अपना जो बताने हैं ना वो आपने मेनली बताने होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट बताने होते हैं. ठीक है, कि उसमें हमने ऑटो कॉस्टिगमेशन करवाना होता है, ऑडिटरी ब्रेन स्टेम स्टिमुलेशन करवानी होती है. आगे लिखा हुआ है ओटैल्जिया, तो आपने उस पर लिखना है कि रेफर्ड पेन क्या होता है. सो हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह ईयर कंप्लीट हो गया विद द एससीक्यूज़. आई होप कि आपको इससे हेल्प मिली होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट में अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करूँगी.